रशिया हमेशा से अपने वर्टिकल लॉन्च सिस्टम से मिसाइल्स को लॉन्च करने के लिए कोल्ड लॉन्च मेथड का इस्तेमाल करता है, जिसमें एक मिसाइल को साइलो या ट्यूब से कंप्रेस्ड गैसेस पहले धक्के मार के बाहर निकालती हैं और फिर जाके मेन रॉकेट मोटर स्टार्ट होता है। अब यहाँ सवाल ये है कि रशिया इतने कॉम्प्लेक्स और महंगे डिजाइन के साथ क्यों जाता है, जबकि हॉट लॉन्च मेथड काफी सिंपल और सस्ता होता है। तो देखिए, रशिया हमेशा से अपने एयर स्पेस और टेरिटरी को डिफेंड करने के लिए खास करके मिसाइल्स पर डिपेंड करता है। अब क्योंकि कोल्ड लॉन्च मेथड में रॉकेट मोटर साइलो या ट्यूब के बाहर स्टार्ट होता है, तो लॉन्च प्लेटफॉर्म को ज्यादा डैमेज नहीं होता, यानी माइनर सर्विसिंग के बाद उन्हें दोबारा रिलोड करके इस्तेमाल किया जा सकता है। और अगर कभी लॉन्च के समय मिसाइल मेलफंक्शन कर जाती है, तो उसे बड़ी आसानी से ट्यूब से इजेक्ट करवा कर खतरे को टाला जा सकता है।